हमारा चूल्हा बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से। अभी इसको सुखाएंगे। लोगों का डाइनिंग टेबल जमीन पे रहता है और हमारी कुर्सियां आसमान पे हैं। से हुई है शादी, आंसू बहा रहा, मैं बहा रही हूँ। 5 किलो बच्चा देना है इन्हें, लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड आरती और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गढ़वाली नौनी पे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे आसपास बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अभी मैं छत पर हूँ तो आपको दिखाती हूँ अपनी छत। छत काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी बात पता है हमारी छत की क्या है कि मम्मी ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और वास्तुशास्त्र को मम्मी बहुत मानती है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं। अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि मम्मी थोड़ा बिजी है। मम्मी कहाँ बिजी है ये भी आपको दिखाएंगे। आज मम्मी ने कुछ अलग ही सोचा है, कुछ अलग ही करेंगी, तो बस वही आपको दिखा रही हूँ और दिखाती हूँ पेड़ पौधे। देखो कितने हरे भरे और क्या है। और ये छोटी छोटी मिर्ची भी लगी है यार हमारे गमलों में, खाते हैं बहुत तेखी है। और ये हमारा कड़ी पत्ते का पौधा बहुत काम आता है, ये हमारा तुलसी माता भी है। मिर्ची तो मम्मी ने से खूब लगाई है ना सब सारी। ये देखिए बहुत सारे पौधे मम्मी ने लगाया है। देखो पुदीना भी खूब सारा उगा हुआ है छत पे। ये देखो और ये देखिए राई भी हुई है हमारे गमले में। इसे सिर्फ मैंने ऐसे बोला था, मम्मी मुझे सर्दियों में ना मोटी दाल खाने का बहुत अच्छा लगता है, तो तोरई होती है, गहर की दाल होती है, चौसा, फाड़ू, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो वो लेकिन वो चूल्हे पे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो आज ना मैं सडनली जैसे उठ के आई हूँ तो मम्मी ने सिर्फ एक आवाज़ दी, आरती ऊपर है, और देखा तो मम्मी चूल्हा बना रही थी। तो देखिए आप, ये देखिए बहुत सारी मिट्टी और ये देखिए मम्मी चूल्हा बना रही है। और चूल्हा पता किससे बना रही है, एक घड़ा था, घड़ा। मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, है ना मम्मी। ये अभी मम्मी ने काटा है, खुद ही काटा है, हमसे मम्मी कोई हेल्प नहीं लेती। अब हम खाना ही बनाएंगे इस चूल्हे पे, सर्दी में ऊपर बैठ के आराम से बना सकते हैं। मम्मी तो देखो तो ठीक है, बनाओ। रखा हुआ ये हमारा पुराना कुकर। मम्मी ये कितने साल पुराना कुकर है, 30 साल? नहीं, इसको 38 साल हो गए। यानी कि मम्मी को दिल्ली में 38 साल हो गए हैं, डैडी जी को हो गए 38 साल, से ज्यादा हो गए होंगे ना। लेकिन मम्मी जब शादी करके आई तो मम्मी को यही कुकर दिखा था और अच्छा है, लेकिन फिर भी मम्मी ने छत पे रख दिया। चूल्हे पे इसी से बनाएंगे खाना क्योंकि जो नए वाले कुकर है वो खराब हो जाएंगे, और इसलिए हम इसी में बनाएंगे। इसलिए हमें इसे परमानेंट कर लिया है चूल्हे के लिए। अभी देखो मम्मी तो लगी है अपने काम में। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे छत से, देखिए कितना अच्छा दिखता है सब जगह। हमारे घर के बगल में ये घर है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर ऐसे होते हैं बड़े बड़े मकान। और ये देखिए सामने गुरुद्वारा, और हमेशा यहाँ पर कुछ अच्छा चलता रहता है, स्कूल वगैरह तो है ही, तो प्रार्थना वगैरह चलती रहती हैं, बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ से आती हैं। और वेडिंग पॉइंट भी तैयार हो रहा है, जिसकी भी शादी होगी तो उसके शादी के लिए काम चल रहा है। और बहुत हरा भरा यहाँ से दिखता है। ये देखिए इधर भी खेत है वेडिंग पॉइंट के आगे, और ये सामने भी खेत है बहुत सारे, और यहाँ हरी साग सब्जी सब जो भी आपको चाहिए होती है सब मिल जाती है इजीली। तो कभी हमें अगर हमें साग बनाना होता है या कुछ भी बनाना होता है तो हम लेके आ जाते हैं। तो देखिए आप सोच रहे होंगे क्या बिछार गए, इसके अंदर गेहूं है क्योंकि कबूतर बहुत है ना हमारी छत में, तो खा लेंगे, इसलिए हमने इसको ढक के रखा है। मम्मी के पास वापस चलते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी यहाँ की है, चिकनी मिट्टी है ये। और देखिए ये सपोर्टर भी मम्मी ने लगा दिया है चूल्हे पे, और मटके या घड़ा जिसे हम कहते हैं उसी से बनाया है। देखो है ना अच्छा, जब हम खाना खाएंगे ना इसमें तब बहुत मजे आएंगे। हाँ आप लोगों को भी दिखाएंगे ना मम्मी। हाँ। मम्मी क्या क्या बनाओगे आप इसमें, सबसे पहले इसमें बनाएंगे मोटे दाने बनाएंगे। हाँ और बाटी बनाएंगे, कुछ भी बना लेंगे मगर। हाँ मम्मी ना बार बार कह रही बाटी बनाएगी, दाल बाटी चूरमा ऐसे कुछ करके होता है ना, राजस्थानी खाना ना मम्मी वो। हाँ तो मम्मी वो बनाएगी। हाँ मम्मी को बहुत शौक है खाना बनाने का, तो हम उसमें ये सब चीज़ें भी बनाएंगे। जैसे बनाएंगे, जब जब बनाएंगे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे।
हमारा चूल्हा बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से। अभी इसको सुखाएंगे और फिर से हम एक बार और मिट्टी लगाएंगे इसमें, है ना मम्मी? हाँ, तो ये पूरी तरीके से, हाँ फिर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, तो फिनिशिंग तब देंगे मम्मी कह रही है। फिलहाल देखिए आप हमारा चूल्हा कितना प्यारा लग रहा है। इसी मैंने कल आपको दिखाया था हमारा चूल्हा, मम्मी बना रही थी और आज मम्मी ने चूल्हा तो हल्का फुल्का सूख गया है, फिर से थोड़ा और टचअप करना पड़ेगा। और फिर देखिए आज मम्मी ने ये गमलों को कलर कर दिया क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, इसलिए ये देखिए आज सारे गमले कलर कर रखे हैं। हमारा चूल्हा सूख के कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। यहाँ से हम लकड़ियाँ डालेंगे इसमें और यहाँ से खाना बनेगा और साइड साइड से धुआं भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर धुएं के लिए पीछे से जगह बनाते तो एक तो दीवार काली जाती, ऊपर से इतना यूज़ भी नहीं करना है और घर टूट भी जाता। मम्मी भूख लग गई मुझे, पहले कुछ बना दो। हाँ बेटा अभी बनाती हूँ, बेटा ये सिलाई काम तुम करो, मैं बनाती हूँ, ठीक है? नाश्ता बना के दो तुम्हें हर टाइम, तुम आराम आराम करो, ठीक है? क्या बस मेरे बच्चे, दिवाली का टाइम आ रहा है, घर की साफ सफाई नहीं करे, खाने का है बस, एक टाइम बना लो खुद। मम्मी बनाए तो नहीं ज्यादा गले में नहीं उतरता, अपना बनाया वहां नहीं उतरता, क्यों नहीं उतरता? प्यार से बनाओ, यही प्यार तो नहीं है मम्मी हमारे अंदर, कष्ट करो जरा, कष्ट कष्ट ही तो नहीं होता मम्मी, कष्ट करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अरे कमजोर काम नहीं होता, कमजोर नहीं होता। दिवाली सामने आ रही है, उसकी तैयारी करो, घर में साफ सफाई हर एक चीज साफ सुथरी अच्छा लगता है। देखिए देखिए पहली बार आपने देखा होगा लोगों का डाइनिंग टेबल जमीन पे रहता है और हमारे कुर्सियां आसमान पे हैं और हम इसमें बैठ के खाना खाते हैं। तो ये हमारी पार्किंग का एरिया है, थोड़ा बहुत वैसा सामान है जो मम्मी लोगों का रूम का सामान था, एक्स्ट्रा सामान तो फिलहाल हमें अभी पार्किंग में रखा हुआ है और कुछ चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने इस तरीके से पार्किंग में रखी है, हम यूज़ नहीं कर रहे अभी इन सब का तो इसलिए ये पार्किंग में रखी है। बाकी हम लोग सिर्फ मम्मी को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं मम्मी को, मम्मी जरा अपनी सिलाई में लगी हुई है ना और इसलिए मम्मी सिलाई भी करती है ना, तो मम्मी अपने काम में लगी हुई तो हम सिर्फ मम्मी को छेड़ रहे हैं। ये है हमारी चाय जो मैंने बनाई है अभी और हमारा चूल्हा एकदम साइड में, इसको नहीं तोड़ना ठीक है। और ये देखो शाम का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, बच्चों के गेम्स चल रहे हैं यहाँ पर, स्कूल है, वेडिंग पॉइंट अच्छा लग रहा है ना, पूरा सामान निकाल दिया। आज शादी है, आज शादी है, आज आज तोड़ना, शादी कल होगी, आज ही है शायद, आज तो सज जाता ना बेटा, कल होगी। ये देखिए कितना अच्छा लगता है शाम का हमारे घर के सामने से। अब एक ऑडियंस के लिए गाना गाओ मेरी पहचान कौन बोलो तो छोटा डॉन अरे यार अच्छा गाना गाओ ना, क्या गाना, कोई बढ़िया वाला गाना गाओ, चलो सोचने देते हैं। से हुई है शादी आंसू बहा रहा, मैं बहा रही हूँ, आफत पड़ी है सर पे इसको निभा रहा हूँ, मैं निभा रही हूँ शादी। ऐसे गाना गाओगे आप, अच्छा गाना गाओ ना यार, तुम्हें तो ये आ रहा कोई नहीं, अब इनका मन नहीं है ना, वैसे गाना गाते रहते तो मैंने सोचा क्यों ना, इस तरीके से लड़ी लगा रहे ना, ऐसी हम लोग ना घर में भी सब लोग मिलके लगाते थे लड़ी, मैं राकेश भाई सौरभ सब हम लोग लड़ी मिलके लगाते थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इस बार की दिवाली में मैं यहाँ हूँ, पिछली बार राहुल भी मेरे साथ वहाँ था, आप देख सकते हो पिछले वाला व्लॉग भी, और बहुत मज़े किए थे हमने। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगी यहाँ की दिवाली, तो देखते हैं, सुनने में तो आया कि यहाँ पर पटाखे बैन है तो मुश्किल ही मिलेंगे, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे दिवाली पे भी, है ना? तो अभी लड़ी लगा लेते हैं, फटाफट एक काम ख़त्म कर लेते हैं वरना मम्मी फिर से हमको डांटेगी। इस तरीके से लड़ी लगा रहे ना, ऐसी हम लोग ना घर में भी सब लोग मिलके लगाते थे लड़ी, मैं राकेश भाई सौरभ सब हम लोग लड़ी मिलके लगाते थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इस बार की दिवाली में मैं यहाँ हूँ, पिछली बार राहुल भी मेरे साथ वहाँ था, आप देख सकते हो पिछले वाला व्लॉग भी, और बहुत मज़े किए थे हमने। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगी यहाँ की दिवाली,
तो देखते हैं, सुनने में तो आया कि यहाँ पर पटाखे बैन है तो मुश्किल ही मिलेंगे, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे दिवाली पे भी, है ना। तो अभी लड़ी लगा लेते हैं, फटाफट एक काम ख़त्म कर लेते हैं, वरना मम्मी फिर से हमको डांटेगी। तो लग गए हैं फटाफट लड़ियाँ लगाने में, और थोड़ी बहुत ऐड भी कर ली हमने, है ना। ये पहले से ही करी हुई है ना, ऐड करी हुई ना, पहले से ऐसी आती है, पहले से ऐसी है। कुछ लड़ी ख़राब हो गई हमारी, एक लड़ी हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है, अभी बाकी चेक करूंगा पहले जो। हाँ, हम लोग इसलिए इतनी जल्दी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल अगर हमारी लड़ी कुछ दिन अगर ख़राब हो गई जल्दी तो हम चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, अगर ख़राब हो गई त्यौहार तक एकदम लाइट अच्छे से लगा लेंगे। एक लड़ी इन्होंने लगा दी है, क्या ये जलेगी? अरे जल रही है, जल रही है ये वाली। हाँ पूरी जल रही होगी, नीचे तक जल रही है, देखो। हमारी ख़राब हो गई है, अब एक लड़ी है ये लास्ट, ये चेक कर रहे हैं अगर जलेगी तो ठीक है। अच्छा एक और है, अगर ये चेक करे, हाँ यार ये भी जल गई, इसके बाद एक और चेक कर लो फिर हमारा काम खत्म। हेलो गाइस, देखिए आज हमारी हो रही है टिक्की पार्टी, और देखिए मैंने कितनी सुंदर तरीके से टिक्की को सजाया है। अच्छा बनाया थोड़ी, लेके आया बाहर से, हो तो सर्व करा है। ये जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, इसको आप इग्नोर कीजिए गाइस, ये बैकग्राउंड साउंड ही रहा। देखिए कितने कितने यम्मी और सब सोच रहे हैं इतना अच्छा बना भी लेती तो किचन भी साफ कर लेती। जी मैं सब कर लेती हूँ, पर जो मेरी देवरानी है ना ज्यादा ही प्यार करती है। हाँ ज्यादा ही प्यार करती है। और ये वीडियो देखने के बाद जो हमारी सासू माँ हमें सुनाने वाली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके चलो कर। अरे तुम्हारी ये घोल गप्पे टिक्की वगैरह सब है तो सुनाए नहीं ना क्या? मम्मी पेट में भी तो गोल गप्पा लेके घूम रही है। गोल गप्पा तंदुरुस्त कैसा होगा बच्चा? है मस्त तंदुरुस्त होगा, मम्मी टेंशन मत लो ठीक है। आपने बोला था ना 5 किलो का, आपने बोला था ना दीदी को बिल्कुल नाराज नहीं करना, अच्छा चाहिए मुझे 5 किलो का, 5 किलो का बच्चा देना है इन्हें, लेट्स सी। तो देखिए लड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं, कुछ लड़ियाँ हम कल लगाएंगे या परसों भी लगा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।